क्या हो गया? घटिया से छिछोरे को बाप बनाने से चतो परेशान हो गया। आज होने वाला है बहुत ही खतरनाक प्रैंक। आज मैं निष्ठा पे प्रैंक करने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाय हाय, इतना डरावना प्रैंक लग रहा है ना, इतना स्केरी लग रहा है मुझे खुद को ही। उसको तो पता नहीं कैसा लगेगा। तो पहले तो ना मैंने सोचा था कि जो प्रेग्नेंट किट कुछ आती है ना, वो बाहर जाकर लेकर आऊँ। मैं गई भी थी केमिस्ट के पास, बट ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं ऐसा लग रहा है चोरी कर रही हूँ, कुछ गलत काम कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट लोग लेते हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात होगी। बट मेरे को बहुत बहुत ही वियर्ड लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि ऑनलाइन अगर ब्लिंकिट वगैरह पे मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ना ऑनलाइन मंगवा लिया, दिखाती हूँ आपको कहाँ रखा है मैंने। या तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। यार ये अच्छा है यार, ये सब कुछ दे जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना बंदा बाहर से जाके नहीं ले सकता। मतलब ले सकते हैं, मैरिड बंदा तो बहुत आराम से ले सकते हैं, बट वैसे बंदे को होएगी चीज़ें कोई। तो ये ऑनलाइन मिल रही थी, ये मंगवा ली है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको फाड़ के कहीं ऐसी रख दूंगी, फिर इसकी ताकि इसकी नज़र जाए, ऐसे रखूंगी कि इसकी नज़र जाए, और फिर एक्ट करूंगी मैंने नहीं लिया ये लिया। जो भी है, अभी बातें कम करती हूँ। इसको अब ना प्रैंक करती हूँ, उसको बुलाती हूँ इस साइड पे और फिर प्रैंक करती हूँ। इससे पहले ना मैं कैमरा ज़रा सेट कर लूँ। फिर निष्ठा आने वाली है बाहर से, तो तब तक मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ और ये कहीं ना किसी तरीके से इसका रैपर छुपा देती हूँ ताकि इसकी नज़र जाए। तो फटाफट करते हुए, आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस। हाथी होगी बस वो पार्किंग का इतना ज्यादा महंगा है ना, गाड़ी निकलवानी थी उस चक्कर में कहीं और पार्क करके हद से ज्यादा करने लगे हैं। हर जगह ही प्रॉब्लम है पार्किंग की। से बैठे ना, आ रही कहाँ जा रही है? आ रही पूरे पानी तो बना दे क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू बैठ ना रही, तू बैठ तो सही ना रही। क्या हुआ, वॉमिटिंग हो रही है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा जी कच्चा सा रह हो रहा है बस, ऐसा कुछ नहीं है। कल बाहर से खा लिया था ना, आज कल सूप नहीं करता ना यार। वैसे भी बारिशों में नहीं खाना चाहिए था ना, नहीं खाना चाहिए ना। कोई नहीं ऐसे ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में कई बार हो जाता है ना ऐसे ही हो रहा है बस। और तू बता क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। पानी पिला दे। पिला क्यों? कान्या? हाँ क्या हुआ? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। ये पैगा भी उस कैसे यहाँ पे? पता नहीं कैसे आई है, पता नहीं मेरे को भी, मैंने भी अभी देखी, पता नहीं कैसे आ रखी है। ब्लिंकिट ऑर्डर की है? नहीं ब्लिंकिट में थोड़ी ना मिलता है सब, पता नहीं कैसे आई। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कोई अपने आप तो दे नहीं जाएगा? नहीं वो आई थी ना, बोल नहीं आई थी खाना बनाने के लिए, वो कर लेंगी। उसका हो गई क्या? हो गया बताएगी? नहीं कुछ नहीं हुआ। तुमने ऑर्डर किया? नहीं मैंने ऑर्डर कर, तुम्हारे घर पे आई है, यहाँ पड़ी है किसके लिए? और ये तू? अरे नहीं ये ऐसे ही पड़ी है यार, गलती से डिलीवर हो गई होगी किसी की, गलत डिलीवर करती होगी। बता क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं किसको बता रही हूँ बताओ, हुआ क्या? मैं कुछ बता थोड़ी रही हूँ किसी को। तुमने किया ऑर्डर? क्या मैंने किया? तो बता क्यों नहीं दिया भाई, क्या हो गया? किस मुंह से बताऊँ यार ये बात, क्या क्यों किया, क्या दिक्कत चल रही है? मुझे थोड़ी सी लग रही, तबीयत ना ऐसी लग रही थी कुछ टाइम से मुझे। ये तुझे अभी जो वॉमिटिंग हुई है वो तेरे को इस वजह से हो रही है? मुझे डाउट है। अरे रब्बा मेरे, कैसे हुआ बहन? तू तो सिंगल है,
मैं भी गई नहीं थी, महीना पहले नहीं गई थी, कुणाल का बर्थडे था। हाँ तो वहाँ पे और भी उसके फ्रेंड्स आ रखे थे, तो वहाँ पे ड्रिंक कर ली थी, जबरदस्ती करा ली थी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मन था करने का, जबरदस्ती थोड़ी सी उन्होंने पिला दी थी। पर तू तो पीती भी नहीं है, मेरे को तो तूने बताया नहीं उस दिन, तूने तो कहा सबने पी, मैंने ही पी। नहीं मैंने मतलब थोड़ी सी पी थी ना, पता नहीं, पर और मेरा कुछ ज़्यादा मेरा क्रश भी आ रखा था, थोड़ा सा वहाँ पे सीन बन गया था, तो मुझे मेरे को नशे में थी, मेरे को होश नहीं था कि क्या हो रहा है, तब से मुझे थोड़ा डाउट चल रहा है। तो तुझे वही लग रहा है उसी की वजह से हुआ है? वही लग रहा है, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, पर मुझे सब फील हो रहा है कि कुछ है। माय गॉड, तेरी बात होती है उससे अभी? नहीं बात तो नहीं होती। बहन क्या हुआ बहन पे? पता नहीं यार, मैं खुद नहीं, मुझे मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो कसम से यार, तो तू बात भी नहीं कर हो रही तो तेरी उससे? नहीं बात नहीं होती उससे। तो यार तुझे थोड़ा तो संभल के चलना चाहिए ना, तुझे पहली बार पीनी नहीं चाहिए थी यार, बाकी पीते हैं पीते रहे यार, पता है यार, अब तो बस भगवान के भरोसे ही है। तू टेस्ट तो कर एक बार। मेरे को डर लग रहा है यार, टेस्ट मैंने मंगवा रखे पर मेरे साथ टेस्ट नहीं किया जा रहा, मेरे को पता भी नहीं इसको यूज कैसे करते हैं। यार नेट वेट पे देख लेते हैं, पर तुझे करना तो पड़ेगा। और अगर यार पॉजिटिव निकला तो? हो सकता है यार नेगेटिव हो, पता है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो पॉजिटिव हो तो उसे फोन करियो, कॉल करियो, बोल उसे आगे बात बढ़ाएंगे यार। तो मेरे लिए है ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं यार, मेरे पे भी ऐसे ही होता है, बाद में हो जाता है सब कुछ। पागल हो गई है क्या? तो हम क्या करेंगे, घर पे बता देंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे पसंद है ये वो, बाद में अपने आप जो क्लियर होता रहेगा होता रहेगा। शादी के बाद कोई कुछ पूछ रहे कब कैसे क्यों हुआ? बहुत केसेस होते हैं ऐसे। अरे कौन नहीं मानेगा, उसकी माँ भी मानेगी, ऐसे कैसे नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है मम्मा को नहीं बताएंगे तान्या, अभी रहने देंगे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उसको भी नहीं बताऊंगी अभी। हाँ अभी किसी को मत बता, पहले देख ले, और ये पैकेट वैकेट कहीं फेंकना पड़ेगा बहन। हो गया मिस्टर पॉजिटिव आया है, कसम से बोलना पॉजिटिव आया है। कैसे पता, कैसे चला तुझे? दो लाइन आती है ना रेड कलर की, दिखा। फेंक दिया मैंने डस्टबिन में, क्या करूंगी यार। अरे नहीं हो सकता, एक बार गलत आया एक और बार करके देखे। नहीं यार मुझे पता है वो सही आया है। तो तेरे को पहले से था क्या शक इस बात पे? मुझे फील हो रहा था, मेरा काफी टाइम से ऐसा प्रॉब्लम चल रही थी। तो पक्का नहीं है, एक बार हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद पता है इनिशियल स्टेज हो। मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ का? तू टेंशन मत ले ना, हम उसको फोन करेंगे जब मजे लेने के टाइम उसने नहीं सोचा, तो फिर शादी तो करनी पड़ेगी, शादी वादी करेंगे, और मम्मा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि पसंद है लड़का, वैसे भी यार शादी तो करनी है, एज तो हो रखी है, तो टेंशन मत ले। और तुझे पहले सोचना चाहिए तान्या, वैसे सच्ची में ये बहुत तेरी गलत चीज तो तूने की है, तो पहले सोचना चाहिए। मैं क्या करूं, मेरे को नहीं पता था यार ये सब हो जाएगा, और मैं उनमें तुझे पता है कहीं नहीं चाहिए यार, हर बार क्यों बताना पड़ता है ये बात। मुझे पता तो है कहाँ पीती हूँ, पर उस टाइम से पता नहीं ऐसा उन्होंने बोला पीले पीले पीले, मैंने कहा चलिए कुछ था ही नहीं अचानक से मतलब। और उसको कैसे इंटरेस्ट लगा रहा था मेरे पर उस दिन पे, लगा पड़ा था लाइन मारने में,
नहीं करेगा, सब करेगा, नहीं करेगा शादी, तू पागल हो गई, उसको करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे बोल सकते, बोलेंगे उसकी माँ को, बोलेंगे जाके उसकी मम्मी को बोलेंगे, करेगा कैसे नहीं, मुझे उसका एड्रेस भी नहीं पता। तू नंबर तो है ना, उसे एक बार बात कर, उसे मिल के बोल, ऐसे फोन पे मत बोलियो, उसे बोल। पागल है क्या, देखिए एज तो हो रखी है ना हमारी शादी की, इसी चक्कर में भगवान नहीं चाहता हूँ शादी के लिए, क्या हो गया मेरे साथ। तू पागल है क्या, कोई बात नहीं, शादी तो सभी करते हैं यार। अभी आई एम नॉट रेडी फॉर शादी यार, करनी होती है आज नहीं तो 2 महीने 6 महीने साल बाद, और कितना रुक सकती है। और वो करेगा भी नहीं, उससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, करते तो हम भी नहीं यार उससे, पर क्या करें हम, मैं सिंगल मदर बन जाती हूँ। तू पागल हो गई है, ये बाहर तो ऐसे ही होता है, बाहर तो बन जाता, पर हम तो यहाँ रह रहे ना, इंडिया में रह रहे ना, तू पागल तो नहीं है। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती, उसको उसके साथ जबरदस्ती की बात नहीं है, उसे करनी पड़ेगी, मुंह तोड़वाएगा अपना अगर वो बकवास करेगा तो, कसम से बता रही हूँ, अगर तू नहीं मानी फिर तो मैं मम्मी को ही बताऊंगी। मम्मी को मत बता, और अरे वो कैसे नहीं करेगा, इतने लॉज है लीगल की, फिर बात फैल जाएगी, फिर वो पिटेगा, क्या हो गया, ऐसे कैसे नहीं करेगा, शांति से बात मान जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं मानेगा, गलती करिए सुधार ले, कोई बात नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, उसका पूरे परिवार को मानना पड़ेगा, नहीं कैसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा तो जैसी मर्जी शादी करें हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि हम छोटे बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम अपना आगे जिंदगी देख लेंगे, क्या हो गया फिर, 2-3 महीने शादी और शादी के बाद भी इधर उधर मुंह मारता फिरेगा। तू एक काम कर, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, सबसे बढ़िया हम डॉक्टर के पास चलते हैं, कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी होगा, मुझे डर लग रहा है, महीना ही हुआ, महीना ही 1.5 महीना ही तो है, तो ये तो इनिशियल स्टेज है, हम चलते हैं अभी, चल मम्मा भी नहीं करते, हम चलते हैं, बच्चा मारना भी नहीं चाहती, नहीं हम ऐसे नहीं होगा, अगर कुछ टैबलेट वैबलेट का गेम चला तो वो हम कर लेंगे, उससे तो उसमें पाप थोड़ी है, कोई कुछ नहीं हुआ अभी, थोड़ी कोई बेबी है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, अभी कुछ भी नहीं होता, तो एक कमर तैयार हूँ, चलते हैं, चल एक मिनट आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाना, तू टेंशन मत ले, मैं तू तू तैयार हो जा। बंदा सुधर भी जाता है, अगर वो देखेगा तो सुधर भी जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसी को ही पकड़ेंगे यार, हमारे पास ऑप्शन नहीं है यार, सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो नहीं करेगा, तो ये टेंशन मत ले, उसके पास ऑप्शन छूटेगा ही नहीं कि वो करेगा या नहीं करेगा, उसे करनी पड़ेगी, तो उसकी टेंशन मत ले, हमें भी इतना कोई शौक नहीं है उसके साथ करने का, इसलिए हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे भाई, अगर कुछ हो सकता है विदाउट किसी को, हम जान नहीं लेंगे हम किसी की, पक्की बात है, अगर वो कहेगा ना कि इट्स वेरी नॉर्मल इनिशियल, जैसे कि आईपिल जो भी चीज होती है, अगर पिल से काम चलेगा वेल एंड गुड, नहीं चलेगा तो हम उसे पकड़ेंगे, बात खत्म, उसे अदरवाइज नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ, यही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, और है ही नहीं भाई हमारे पास ऑप्शन, हमें कोई इन चीजों का एक्सपीरियंस थोड़ी है, हमें पता ही नहीं क्या करना है, और डॉक्टर ही बता पाएगा, समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ एकदम से ऐसे हो गई, कुछ नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं, नजरिए की बात है, तो भगवान का शुक्र है कि ये सेंगल मदर बन सकती, तू पागल हो गई है क्या, ये मेरे को बोल के ना मुझे टेंशन मत दे यार, मैं इतना हौसला नहीं रख सकती, तू तैयार हो पागल है क्या, और वैसे भी वो समझेगी
हम इकलौते थोड़ी होंगे ऐसा हो रहा हमारे साथ, शायद पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता। और कितने केसेस है यार, आलिया भट्ट का भी तो यही सीन था, शादी हुई किसी ने पूछा क्या हुआ उसका, तो करना भी कितने केसेस है, करना क्या चाहता था, हमें क्या पता, करनी पड़ गई पड़ेगी, अब इसको भी करनी पड़ेगी, बात खत्म हो गई, हम करना चाहते हैं हमें भी करनी पड़ गई है। तू ऐसे ही चलेगी? मैं चल लूंगी ऐसे, चप्पल जूते पहन लूंगी। मैं सोच रही हूँ सिंगल मदर बच्चा। तू पागल है क्या यार? सिंगल मदर तू तैयार हो रही है? सिंगल मदर अच्छी बनना, तुम हंसी बन जाएगी। हंसी आ रही है? ये सही लग रहा है सिंगल मदर वाला ना हिसाब से, उस घटिया से छिछोरे को बाप बनाने से अच्छा तो मैं सिंगल मदर बन जाऊँ। पागल है ताने यार, हंस कैसे सकती है तू? क्योंकि ना तो मजा आता ऐसे नहीं यार, ये ड्रामे मत किया, अगर कसम से जलूस निकलवा रहने, बात मत करिए, अब मत बात करिए। इसको मैं लाती हूँ यार, बेचारी सच में बहुत सपोर्ट दिखाया इसने मुझे, वैसे ऐसे ऐसे दिखाया ना मेरा बंदे का आधा डर खत्म हो जाए, फिर इसको लाती हूँ, कैमरा तो यही है। यार ये सब नहीं है, तू कैमरा ऑन कर ले, मैं कर दूंगी आउटर आउटर दे दूंगी, पर मैं ये नहीं यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, हर चीज हद तक अच्छी है ना, इधर आ ना, ये वो कैमरा क्या तू कैसी लगी बोलियो मत, मैं तू मत छोड़ो, चल मजाक तो इस बात की तो खुशी है, खुशी तो है इस बात की, बट बताइए यार ये बहुत ही वैसा चीज हो जाती है कि समझ नहीं आता इंसान को हम करें क्या, जिसमें दोनों पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होता है, तो आई डोंट सपोर्ट दीज प्रैंक्स एट ऑल, हंसी मजाक वाले ठीक है यार, ये ऐसे जज्बातों वाले मेरे को नहीं पसंद सच में। कोई नहीं, मजाक ही था खाली, मजाक ही था तो, बट जो फील मैंने किया है वो मजाक नहीं था मेरा, मेरे जज्बात मजाक नहीं थे। कोई कोई नहीं सर, इट इज ओके, इट इज ओके, मजाक था नहीं, जिससे बड़ा करूंगी। तू अब मेरा देखियो फिर, मैं सोचती हूँ चल ठीक है मजाक तक रखूंगी, इतने जज्बात ना हिट हो ना हर्ट हो, और अब तू बिल्कुल दिल से खेलती है कसम से। इसे ना मुझे बनाने में टाइम लगेगा, कॉफी पिला दूँ? कॉफी से मान जाएगी? तू पहले इसका आउटरो कर। चलो यही था हमारा वीडियो, अगर आपको ऐसे प्रैंक्स पसंद है, ऐसे वीडियोस पसंद है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ओए रुक जा यार, तू तो बहुत गुस्सा है यार, रुक जा।